दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल इस्कॉन टेम्पल जो मायापुर स्थित है वेस्ट बंगाल का नदिया डिस्ट्रिक्ट में, इससे पहले भी मैंने विजिट किया था लेकिन इस बार कुछ खास है। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान है जो बांग्लादेश आए, उनको साथ में लेकर के हम मायापुर इस्कॉन टेम्पल विजिट करेंगे और आपको भी साथ में लेकर घुमाएंगे। तो चलिए हमारे साथ में, आप अगर मेरे चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए बेल आइकन को प्रेस करने के बाद। तो चलिए आज इस एपिसोड में मैं आपको दिखाएंगे मायापुर में इस्कॉन में अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो कैसे विजिट करेंगे, सबसे ईजिएस्ट वे है, कितना खर्चा लगेगा, कहाँ खाएंगे, कहाँ रुकेंगे और मंदिर से रिलेटेड सारे जानकारी, टाइमिंग अगर क्या है, वहाँ पे आरती अगर कब होता है, सारी चीज़ आपको जानकारी देंगे। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सारे जानकारी भी इस एपिसोड में आपको रहेगा। मेरा ठीक पीछे विष्णुप्रिया रेलवे स्टेशन और मैं आता राइट साइड से यानी हावड़ा साइड से। आप नवद्वीप को एक्सप्लोर करना है, जहाँ गौरंग जी की सोना की मूर्ति है वहाँ अगर एक्सप्लोर करना है तो आपको नवद्वीप धाम उतरना चाहिए था इस विष्णुप्रिया हॉल से एक स्टेशन पहले, लेकिन मायापुर को सिर्फ एक्सप्लोर करना है तो इस स्टेशन में उतरना होगा। आप चाहे असम साइड से आए या आप हावड़ा साइड से आए, ये विष्णुप्रिया हॉल रेलवे स्टेशन उतरना होगा। यहाँ से आपको ई रिक्शा मिलेगा, 10-10 रुपया लेगा और 15 मिनट लगेगा और आपको जाना होगा बड़ल घाट या फेरी घाट तक पहुँचना होगा। लंच घाट पहुँचने के बाद 10 रुपये का टिकट ले लीजिए, टिकट लेने के बाद आप लंच में बैठ जाइए और 10 मिनट का टाइम लगेगा उस पर जाने के लिए। और यहाँ पे दो टाइप का लंच मिलता है, एक तो पैडल वाला है और दूसरा ये मोटर वाला है। आप मोटर वाला में जाइए और 10 मिनट में वहाँ पे उस तरफ पहुँच जाइए। उस पर पहुँचने के बाद आपको सबसे पहले एक ई रिक्शा लेना पड़ेगा जो कि 50 मीटर आगे आपको देखने को मिलेगा, वहाँ से एक ई रिक्शा ले लीजिए। आप अगर मैन पावर ज़्यादा है, आप ज़्यादा लोग हैं तो 8 सीटर वाला ई रिक्शा ले लीजिए। और हमने नेगोशिएट करने के बाद 500 रुपये में तय किया था, 800 रुपये ऐसे मांगते थे और 1.5 से 2 घंटे में आपको घुमा देंगे पूरा एरिया, जो मेन मंदिर छोड़ के मेन मंदिर में लास्ट में आपको ड्रॉप कर देगा। कौन सा मंदिर आपको दर्शन कराएंगे सारी चीज़ मैं, ये जो ई रिक्शा का ड्राइवर है मैं इनसे पूछूंगा और इन्हीं का मुँह से आप भी सुन लीजिए कौन सा एरिया ये कवर करेगा ड्यूरिंग योर विजिट। शिव डोबा मंदिर शांत गोस्वामी गुड़िया मठ प्रथम राधा मदन मोहन मंदिर। अच्छा तो पर नहीं जाबा हे महापुर जगह निमाय जमस्थान निमतला তারপরে হচ্ছে ওর থেকে নেমা জমা থাকতে থেকে নিয়ে যাবো শিবার সঙ্গন ওর ভাঙা ডাঙ্গা, তারপরে অদ্বৈত গাদাধর পণ্ডিত, লাস্টে মহাপুর মাসিবাই চৈতমল গুপ্তি মেধাব শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড এই ছটা পথ। ই রিক্সা কাজ ইনিশিয়াল কন্ট্যাক্ট রহেগা উসমে 6 পয়েন্টই দিখায়েগা লেকিন আপ উসসে আগে জানা চাহতে জেসে কি ভক্ত কাজী কা সমাধি আর ওহা পে এক জগন্নাথ দেব টেম্পল হ্যায় ওহা পে वो भी अगर विजिट करना चाहते हैं। इसके अलावा एक ESI यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक संरक्षण स्थान है जो राजा वल्लभ सेन लखन सेन का जो पुराना हवेली है, अगर उस एरिया विजिट करना चाहते हैं तो 100 से 150 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। सुबह 10 बजे तक आप अगर पहुंचते हैं मायापुर दर्शन के लिए तो सारे जगह एक्सप्लोर के बाद 1 बजे तक आप पहुंच जाएंगे मेन मंदिर जो या जो इस्कॉन टेम्पल जहां आप विजिट करने के लिए मेनली आते हैं उस जगह पे। और 1 से 4 बजे तक ये सारे मंदिर बंद हो गया, लेकिन आपका टाइम है अभी लंच ब्रेक का, 1 बजे से 2:30 बजे तक आपने जो कूपन लिया उस कूपन का सदुपयोग करना है इस समय। और यहाँ पे 3 जगह पे खाना पीना या प्रसाद दिया जाता है, एक नामहट्टो, एक आपको गदा भवन और एक जनरल काउंटर है। अलग अलग चार्ज लगेगा इसमें, 40 रुपये, 50 रुपये और 80 रुपये का टिकट, लेकिन मैं कहूँगा अगर 40 रुपये का टिकट लेंगे तो वो सबसे बेस्ट रहता है। राधे 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 राधे।
मेरा ठीक लेफ्ट साइड में जो मंदिर देख रहे हो ये श्री प्रभुपाद पुष्प समाधि मंदिर है। ये 3 बजे खुल जाता है। इस मंदिर को विजिट करने के लिए आपको कैमरा, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी आइटम आपको यहाँ पे जमा करना होगा। उसके लिए 5-5 रुपये आपको चार्ज देना होगा, लेकिन जूता चप्पल रखने के लिए कोई यहाँ पे चार्ज नहीं है। तो मैं अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कैमरा परमिट नहीं है। तो दैट्स व्हाई आप जस्ट जाइए, बहुत ही खूबसूरत मंदिर। इसी मंदिर परिसर में एक फुल डोम डिजिटल थिएटर भी है जहाँ पे आधा घंटे का आध्यात्मिक शो होता है और इसके लिए 40 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। आप चाहे तो इसका आनंद भी आप ले सकते हैं। 500 मीटर दूरी पे एक गौशाला भी है, आप चाहे तो यहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे 400 से अधिक गाय है और यहाँ पे गाय का दूध से जो प्रोडक्ट है वो भी यहाँ पे बेचा जाता है एक शॉप का द्वारा। और यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको 10-10 रुपया ई बाइक मिलता है, उसमें भी आ सकते हैं, या आपको यहाँ पे बुलक कार्ट या गाय का जो गाड़ी होता है वो भी यहाँ पे मिलता है। यहाँ इस परिसर में दिन भर कथा या प्रवचन चलता रहता है। आप चाहे तो कुछ देर बैठ के यहाँ पे भी आप कथा सुन सकते हैं या कुछ यहाँ का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मायापुर चंद्रदया मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ पे एक नया मंदिर भी बनाया जा रहा है इस परिसर में, जिसका काम अभी भी जारी है। इसमें से एक विंग जिसका नाम दिया गया नरसिम्हा विंग, उस विंग को विजिट करने के लिए सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे 2 बार एक ग्रुप में वहाँ पे एंट्री परमिट किया जाता है 50 रुपया लेकर के। आप चाहे तो वहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं कैसे काम चल रहा है और क्या फर्स्ट एरिया एक तैयार हो रहा है वहाँ पे। ऐसा तो एक दिन ही काफ़ी है यहाँ पे घूमने के लिए, लेकिन आप चाहे तो रुक भी सकते हैं। यहाँ पे धर्मशाला आपको सामने एक दिखाई दे रहा है इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर, या तो गीता भवन में भी आप ऑनलाइन बुक करके भी आ सकते हैं। अगर सीजन में नहीं है तो रूम खाली भी मिल सकता है गीता भवन में, वहाँ जाकर भी डायरेक्ट आप रूम ले सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ आसपास एरिया में बहुत सारे लॉज होटल है, 1000 रुपये के अंदर आपको काफ़ी बढ़िया होटल आपको मिल जाएगा। मेरा ये पेशकश आपको कैसा लगा जरूर कमेंट्स करें। आप अगर मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाला ढेर सारे वीडियो जो कि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे।